सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं टीम गॉडलाइक के साथ। सीवन आफ्टर बीइंग हैशटैग टू इन बीच माय लैन इवेंट, गॉडलाइक ने 5 नए रिकॉर्ड्स बनाए जो उन्होंने अपने नाम किए, जैसे कि फर्स्ट पर्सन टू बिकम टीवी लैन एमवीपी, फर्स्ट पर्सन टू हैव 100 फिनिशेस इन टीवी लैन, फर्स्ट टीम टू हैव 100 फिनिशेस, मोस्ट नंबर ऑफ फिनिशेस बाय अ टीम इन अ मैच, मोस्ट नंबर ऑफ फिनिशेस बाय अ प्लेयर इन अ मैच, एंड यार मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू गॉडलाइक फॉर ऑल दीस अचीवमेंट। बट इवन आफ्टर ऑल दिस सिनेरियो, यप यार उदास तो प्लेयर्स होंगे ही, बिकॉज़ इतनी मेहनत और सिर्फ कुछ पॉइंट्स से रह जाना एंड ओशन जोनाथन को संभालते हुए हमें नजर आए। एंड जो लोग यार ये कह रहे थे कि जोनाथन का टाइम चले गया, उनके लिए एक परफेक्ट रिस्पांस रहा जॉनी और सरदार जी की तरफ से। फीलिंग बैड फॉर जोनाथन। देखो अब ये चीज तो भाई, मतलब आई टेल यू, एक बंदे को पता नहीं मेरा नंबर शायद इससे मिला होगा, रिकॉर्ड में ही स्टार्टेड क्राइंग। मतलब भाई क्या हो गया, रो क्यों रहा है यार? बोलता है भाई जोनाथन नहीं जीत पाया, ऐसा ऐसा। अरे भाई कोई बात नहीं यार, फर्क नहीं पड़ता भाई, गेम थी खत्म हो गई, सेकंड आया ठीक है, बट उस बंदे ने खुद को प्रूव किया ना। जोनाथन ने कम से कम भाई जो किया है, जोनाथन ने नहीं भी तो इतने लोगों का मुंह बंद कर दिया वापस से, जो बोलते कि हाँ भाई हो गया बस जॉनी का टाइम गया ये वो, भाई उसने दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, भूलो मत ठीक है। यूनिवर्सल एमवीपी ऐसे ही नहीं बोलते, उसने उस चीज को कल दिखाया भाई। एंड ऑन द अदर साइड वही जो गोब्लिन को ट्रॉल कर रहे थे, उनको भी सरदार जी लाइव रिस्पॉन्ड करते हैं। तो गोब्लिन ने भी बंद कर दिया टॉप फ्रैगर, ये बात तो है, मुंह तो गोब्लिन ने बंद कर दिया, बट गोब्लिन के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता था भाई, गोब्लिन ने खुद को साबित इस तरीके से किया। तो अब तुम ऐसा, मतलब गोब्लिन ने मुंह क्या बंद किया भाई, किसी की हिम्मत ही नहीं थी गोब्लिन के अगेंस्ट बोलने की। हाँ थोड़ा डाउनफॉल आया, एक है थोड़ा डाउनफॉल आया था गोब्लिन का भी, आई एग्री टू दिस, बट गोब्लिन हमेशा खुद को टॉप पे रखा है भाई, तो गोब्लिन ने रखा है खुद को टॉप पे। बट यार जो कनिका ने कहा वो एग्जैक्टली वो जोनाथन के साथ वहां लैन इंटरव्यू में, लाइक दिस होल टूर्नामेंट इज फुल ऑफ इमोशंस एंड सब लोग के इमोशंस जुड़े हुए, इवन आई वाज क्राइंग व्हेन आई सी जॉनी क्राइंग, गाइस ऑनेस्टली आई डोंट नो जोनाथन पर्सनली, बट ऑनेस्टली सीइंग हिम ऑल्सो यू नो लाइक वैसा मेरे अंदर ही वो होता है ना, रोने से पहले वो एक नाक में एक सेंसेशन आती है लाइक रोने की, लाइक मुझे वो हुआ है, ऊपर से मस्ती भी रोने लग गया भाई, मेरे को बहुत बहुत बुरा लगा, मैं बस एक्सप्रेस नहीं कर पाई भाई, उसके लाल हो गए थे गाइस, जोनाथन की आंखें लाल, लाइक हमेशा बोलता है एमवीपी अवार्ड एंड कितना खुश होके बोलता है, बट वो खुशी से नहीं लिया उसने यार ट्रॉफी। And now let's move on and talk about the man who is known for his never give up attitude. And his scout से पूछा है कि क्या उनमें अभी hunger है trophy के लिए? And वो क्या respond देते हैं आप देख सकते हो? Feeling much 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 more positive and pumped, and the hunger has gone skyrocket right now. क्योंकि I've proved lot of people wrong. बहुत लोगों को गलत prove करना है, plus 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 अपने ही करीब वालों को, एकदम दिल के साथ वालों को भी wrong prove करना है. तो मेहनत करते रहेंगे. जब तक हासिल नहीं करेंगे मंजिल को। बहुत फिल्मी डायलॉग हो गया, बट यस आई एम कंप्लीटली चिल, घिसाई करते रहेंगे, दिक्कत नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम पीएमडब्ल्यूआई के बारे में। सो टीम सोल, जैसे कि हम जानते हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं पीएमडब्ल्यूआई में, एंड उन्हीं को लेकर के मायावी ने ड्यूरिंग हिज लाइव बात करी। आल्सो गोब्लिन यार, गोब्लिन आल्सो ही वाज कॉन्फिडेंट, आई अप्रिशिएट हिज कॉन्फिडेंस, एंड आल्सो ही हैड आल्सो डिलीवर्ड What he said, like जितना commit किया था, जितना बोला था, पूरी टक्कर दिया भाई गोब्लिन ने भी, मजा आया। सोल वर्ल्ड लीग खेल रही है, हलवा है क्या? इसमें क्राइंग वाला कुछ नहीं है ब्रो, वो दूसरों को रुलाने वाली टीम है। मैं तो चाहता हूँ इंटरनेशनल में जाओगे, ऐसा तोड़े ना सबको, लगे पता कि हाँ भाई इट्स नॉट ओनली चाइनीज और इन कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट ओनली कोरियंस, इट्स नॉट ओनली अदर जो भी रीजन के होते हैं, अपने लॉन्डे इंडिया बोलते। तो वीडियो में यार आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ वन एक्सपेक्ट के बारे में, एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ से आप काफी सारे रुपए जीत सकते हो। पर्सनली मैंने भी काफी सारे रुपए यहाँ से जीते हैं। अब यहाँ पर काफी गेम्स जैसे बीच में आए वैलोरेंट, एपेक्स लेजेंड जैसे गेम्स में प्रिडिक्शन करके आप काफी अमाउंट जीत सकते हो, एंड अभी चल रहे नॉर्डविन लैंड टूर्नामेंट के प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हो और मेरी तरह यहाँ पर प्रिडिक्ट करके काफी रुपए जीत सकते हो। एंड बात करें यार ट्रस्ट की, तो वन एक्सपेक्ट एक ट्रस्टी ऐप है। एक कमाल की बात तो यार अब ये है कि आप मेरा प्रोमो कोड 1xGaming यूज करते हो तो आपको मिलेगा 26,000 रुपए का वेलकम बोनस, जिसमें आप यार प्रिडिक्ट करके और रुपए जीत सकते हो और इजीली विड्रॉ कर सकते हो। सो कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी, फटाफट जाओ और डाउनलोड करो और मेरा प्रोमो कोड 1xGaming यूज करके 26,000 वेलकम बोनस ग्रैब करो और प्रिडिक्शन कर करके आप काफी सारे रुपए जीतो। और सो भी टीम सोल की बात करें तो हियर इज अ गुड न्यूज फॉर सोल फैंस कि गॉडलिन नेक्स्ट लैंड इवेंट में भी खेलने वाले हैं, एंड ओमेगा ने भी रिसेंटली बात करी कि वो क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से वो ये लैंड इवेंट अपने नाम नहीं कर पाए। वेयर डू यू थिंक टीम लैक्स? अबे देखो हमारे पहले 10 मैच में कितने पॉइंट थे? 130 ठीक है, अगले 10 मैच में हमारे कितने? टोटल 30, समझ रहे हो? और हमने गेम कैसे कैसे थ्रो किए हैं तुमने देखा ही होगा, सर्कल होने के बाद भी सारी चीज, समझ रहे हो?
130 का जो भी है, जी, चिल्ले बे, टेंशन नहीं करो, कोऑर्डिनेशन वोर्डिनेशन सब सेट हो जाएगा। अब चोक करने की बात करें तो गॉड लाइक भी एंड तक यार ऐसा लग रहा था कि जैसे जीत जाएगी इजली, बट वो सडन चेंजेस जो उन्होंने गेम स्टाइल में किए वो काफी भारी पड़े। एंड मेजी ने उसी के बारे में लाइव बात करी। आज के बाद गॉर्डल का नाम मत लेना यार, ऐसे मत करो यार। देखो मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मेरी उसमें कहाँ गलती है पहले ये बताओ भाई। इतना बढ़िया वो लोग जीत रहे थे, इतना बढ़िया वो लोग टूर्नामेंट जीत रहे थे, सब कुछ हो रहा था, क्या जरूरत थी उनको ऐसा चेंजेस करने की। मस्त एकदम अपने नॉर्मल नेचुरल गेम प्ले पे खेलते, ऐसा भी नहीं है कि जोन बहुत ज्यादा दूर था भाई, कितना ही ज्यादा दूर था जोन। मुझे वो PMWL का OR वाला सीन याद आ गया, तो मावी एंड स्क्वाड भी उसी दो उसमें बैठी हुई थी ना। हाँ, सो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आखिरी मैच देख के मुझे OR की याद आई, वो भी उसी वेयर हाउसेज एंड बाकी सारी जगह से निकल के ही ऊपर गए थे और वहीं समाप्त हो गए थे। सेम चीज तुम्हारा गॉडलाइक के साथ हुआ, चीजें रिपीट करती तो है, ये तो मानना पड़ेगा, चीजें रिपीट होती तो हैं। तो बट मुझे लगता कोई सेंस था उस चीज को चेंज करने का, बट उनकी मर्जी, जैसा वो अच्छा समझे। अब वीडियो में आगे बढ़े तो और बात कर लेते हैं हम लाइनअप चेंजेस के बारे में। सो फर्स्टली ओवेश TSM ज्वाइन नहीं कर रहे, एनी एंकी बॉट एंड मिजी ने लाइव कंफर्म किया। TX की न्यू लाइनअप में हमें सैयद, डार्क, रावत और मावी खेलते हुए नजर आए। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स की लाइनअप में वीरू अब खेलते नजर आएंगे। एंड यार वीरू को डेफिनेटली बहुत टाइम बाद एक टीम मिल रही है, तो डेफिनेटली यार पास्ट को बुला करके आप लोग वीरू को सपोर्ट करो, बिकॉज यार यही एक टाइम है जब वो कमबैक कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते और बात कर लेते हैं हम ट्रैश टॉक के बारे में। सो रिसेंटली इंस्टाग्राम पर कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट और क्लिप बाहर निकल के आ रही है गॉबलिन को लेकर के, जिसमें गॉबलिन ये क्लेम कर रहे हैं कि जोनाथन ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। अब इसके बाद ये किसी को तो कंफर्म नहीं था कि ये चैट्स रियल है या फिर फेक है, तो एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी इन्हीं चैट्स की। बट स्टिल यार टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी आगे कि वीडियो क्लिप्स तक फेक होती है, तो यार ये तो नहीं पता कि गॉबलिन की चैट रियल है या फेक है। बट इसके बाद ये एक स्टोरी पोस्ट करते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड इवन ऑफ करंट टाइम, एंड ये तो टिक जाएगा। एंड गेमिंग गुरु भी जब लाइव होते तो वो इसी चैट लीक वाले सिनेरियो पर बात करते हो कुछ ये कहते हैं। अरे वो गॉबलिन बोला था कि ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा जोनाथन को, वो मैसेज में ना, अच्छा ईशा, तो इसमें वो लिखा है न्यू ईयर ये में हो गया है थोड़ा सा फिक गहमा गहमी, मीडिया की भाषा में बोला जी। अरे सब चलता रहता है भाई, ट्रैश टॉक, ये लोग इतना इतना वो कर देते नौजवान को। टू मच सेंसिटिव पीपल। अब इसके बाद इंस्टाग्राम पर यार एक और चैट लीक होती है जिसमें घातक और जोनाथन होते हैं। हालांकि इन चैट्स का भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये रियल है या फिर फेक है, लेकिन सीरियसली यार जोनाथन की इस चैट पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। एंड जोनाथन वाली चैट तो यार कम्प्लीटली फेक है, क्योंकि वर्डिंग से यार आप देख ही सकते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन यार यही आता है कि पता नहीं इनमें से कौन सी रियल है भी या फिर नहीं है, या बस ये फेक बनाई गई है हेटर्स के द्वारा। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। सो नो आइडिया कि ऑल दीज चैट्स क्लिप्स आर रियल और फेक, बट मुझे इस चीज को लेकर के यार काफी टैग्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर। एंड टू ऑल दोज ई-स्पोर्ट्स फैंस आउट देयर, ये बस एक ट्रैश टॉक है, जितना हो सके आप इसको हेल्दी वे में लो। एंड यार क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, तो डेफिनेटली यार मैं तो यही कहूंगा कि यू गाइज आर इनफ मैच्योर टू डील विद दिस सिनेरियो इन अ हेल्दी वे। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी मैं भी चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।